सब लोगों ने मेहनत की है, तो जो लोग नहीं आए हैं मेहनत की है उन लोगों ने, उनका भी हम आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। और जिस जनता ने हम लोगों के पक्ष में मतदान किया, कई तरह की कोशिश हुई उनको दिग्भ्रमित करने की, बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी हुए जिन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में मतदान किया। तो जिन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में मतदान किया, हम आपके माध्यम से उनका भी साधुवाद करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। लेकिन जिन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में मतदान नहीं किया, आप सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपसे भी हम कहने आए हैं कि उनके प्रति भी मन में कोई शिकायत की भावना नहीं रखनी। जिन लोगों ने नहीं दिया उनकी मर्जी, अब उनको इस बात को लेकर के उनके प्रति अपने मन में कोई शिकायत का भाव, गुस्सा का भाव या रखने की जरूरत नहीं। जनतंत्र है, जनता मालिक है, जिनको इच्छा हुई वोट दिया, जिनको इच्छा हुई नहीं वोट दिया, यह उनका अधिकार है। उनके प्रति भी कोई शिकायत का भाव, कोई दुराग्रह मन में रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम आदमी करता है तो या तो उसमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कोई एक चुनाव जीत हार के लिए हम लोग राजनीति में नहीं है। राजनीतिक यात्रा में बहुत सारा चुनाव आया होगा, आगे भी आएगा। बात करने के लिए हम आए हैं, सिर्फ आप सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए। परिणाम चाहे जो भी आया हो सब लोगों को मालूम है, लेकिन दिन रात आप सब लोगों ने मेहनत की है। इतनी गर्मी उस वक्त भी थी, 48 डिग्री टेम्परेचर, और गर्मी की चिंता नहीं करते हुए भी दिन रात आप सब लोगों ने काम किया। साथियों का जुनून उस समय देखते बनता था। अभी 12 बजे आपको फोन करे, हाल चाल पूछे तो आपको आप पता लगेगा कि देखिए 12 बजे रात में सोने का समय है और फोन करके हमसे हाल चाल ले रहा है। लेकिन चुनाव के समय 12 बजे क्या, और हाल चाल क्या 2 बजे रात में भी कोई फोन करके अगर कहता कि आप अभी आ जाइए डेवरी जॉनसन, तो कहीं से अटपटाए आपको नहीं लगता, आप आराम से उठते और वहाँ जाकर जरूर मिलते। यह जुनून आपके अंदर उस समय था और उस जुनून के साथ आप सब लोगों ने काम किया है। काम करना आदमी के बस में है, रिजल्ट आदमी के बस में नहीं होता, वो आपके बस में था। मेहनत आपने मेहनत की, आपने काम किया पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से। इस बात के लिए हम आप सभी लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। आप सभी के ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उतने ही लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे लोगों के ऊपर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों की कृपा है और काराकाट के बाहर भी हरवर के लोगों की कृपा उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर है, और इस कृपा का ही परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं भी है फिर भी बड़ी राजनीतिक हैसियत उपेंद्र कुशवाहा के पास है। अब इतनी ऐसी स्थिति के बाद भी आप उदास रहिए, हम उदास रहे, इसकी कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। कभी कोई आवश्यकता पड़े, चाहे आपके लिए खुद की आवश्यकता हो या आम जनता जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ कभी कोई अन्याय करे, उनको कभी कोई सहयोग की जरूरत
समर्थ हो। इस काम में कभी भी आप दूसरे साधारण एमपी से अपनी ताकत को कमजोर मत समझिए, इससे ज्यादा ताकतवर रूप के हम लोगों की सेवा करेंगे। आप सब लोग भी कीजिए, वैसी स्थिति के बाद भी कहीं से उदासी रखने की जरूरत नहीं, पूरे लगन के साथ काम कीजिए। चुनाव को लेकर कहीं से विचलित होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, चुनाव में जो हुआ तो हुआ। राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी चुनाव में यदि जीत हो जाए तो बहुत उन्मादी नहीं होना चाहिए और हार हो जाए तो उदास भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है, मन को मलिन करने की जरूरत नहीं है, और वह भी उपेंद्र कुशवाहा की टीम का साथी कार्यकर्ता उदास हो, हमारे डिक्शनरी में अपने साथियों के लिए, अपने लिए ऐसे अवसरों पे उदास शब्द डिक्शनरी में नहीं। क्यों उदास होना है भैया? चुनाव परिणाम चाहे जो भी हुआ, ठीक है कि अभी हम एमपी नहीं हुए, लेकिन कई लोग जो एमपी हुए हैं उनसे कई गुना राजनीतिक ताकत कुशवाहा के पास आज भी है। कुछ रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता।